हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज हम डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल कैसे वर्क करती है, कितने प्रोसेस होते हैं, कितनी इसकी एफिशिएंसी होती है, और सारे प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जो वर्किंग फ्लूड होता है पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट में, वो होता है हमारा एयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो पीवी डायग्राम है और टीएस डायग्राम है हमारा। तो ये हमारा जो साइकिल है वो चार प्रोसेस में कंप्लीट होती है। प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1 वापस आ जाती है। इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम रहता है। ऐसे ही टीएस डायग्राम की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और फिर 4 से 1। तो ये जो साइकिल है ऐसे कंप्लीट होती है। तो हम देखते हैं इसमें टोटल चार प्रोसेस होते हैं। तो पहले जो दो प्रोसेस होते हैं इसमें, जो दो प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे। और जो दो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं रिवर्सिबल, एडियाबैटिक, और हम बोल सकते हैं आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब हमको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में बोल सकते हैं जो हीट ट्रांसफर है और हीट रिजेक्ट है वो जीरो होता है। तो क्यू यहाँ पर जो होता है वो जीरो होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेज 1, जो प्रोसेस 1 से 2 है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसके बारे में देख लेते हैं इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, क्या इसमें हमारा वर्क डन आएगा। तो पहला है स्टेज फर्स्ट, तो प्रोसेस जो जा रहा है 1 से 2 जा रहा है, और इसमें जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट लेते हैं। ये सिलेंडर है और ये पिस्टन। तो जब हम इस सिलेंडर को हीट देना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लग जाएगा। और क्योंकि बढ़ेगा इसलिए क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो हमको कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, और जो इसके अंदर एयर है वो हीट होने लग जाएगी। तो हीट होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होगा, ये पिस्टन में जो डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारा कोई ना कोई वर्क डन आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको ऐसे, जो हीट सप्लाई हुई है वो कहाँ पर गई है, वर्क डन हुआ है एयर के ऊपर। तो वर्क डन बाय द एयर, तो यहाँ से लिख सकते हैं हीट सप्लाइड क्यू 1 से 2 प्रोसेस में जो सप्लाई हुई है वो हुई है P1V1 log टू द बेस E V2 बाय V1। अब हमको पता है PV इक्वल टू MRT होता है, और P1V1 इक्वल टू MRT1 होगा। P1V1 इक्वल टू MRT1 होगा। अब इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इस तरीके से, MRT1 log टू दी बेस E V2 by V1, और V2 by V1 क्या होता है, एक्सपेंशन रेशियो होता है। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेंशन रेशियो R। अब मैं क्या करूँगा, log टू दी बेस E है, इसको मैं चेंज करूँगा log टू दी बेस 10 में, तो इसको मैं 2.3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2.3 MRT log 10 चेंज हो रहा है, तो ये R हो जाएगा। ये तो ये चेंज हो गया, और ये इक्वेशन को हम नोट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देंगे इसको। ऐसे ही ये फर्स्ट स्टेज था हमारा। अब सेकंड स्टेज आएगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा, हमारा जो पिस्टन है वो 2 से 3 पर जाएगा। तो बोल सकते हैं वहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो होगा हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो स्टेज सेकंड स्टेज में जो पिस्टन है वो कहाँ से जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, और इस दौरान जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और हमको पता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर जो है, हीट रिजेक्टेड जो है वो जीरो होता है। क्यू हम लिख सकते हैं जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ से लिखूँ, जो इसमें हमने हीट दी थी सिलेंडर में,
तो हीट अब क्या करेंगे, सिलेंडर के ऊपर इंसुलेटेड कैप लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ने वो कम होने लग जाएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि जब पिस्टन जो है वो दूर चले जाने लग जाएगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। जब इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है तो इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, तो क्या होगा, वर्क डन होगा बाय द एयर। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी टू वी टू माइनस वी थ्री अपॉन गामा माइनस वन। अब मुझे पता है पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसको। और जो मुझे पता है पी टू जो है, या मैं बोल सकता हूँ सिंपल, पहले लिख ही देता हूँ उसको मैं, एम आर टी टू माइनस एम आर टी थ्री अपॉन गामा माइनस वन। अब मुझे पता है जो टी टू है वो किसके बराबर है, टी वन के बराबर है। तो मैं यहाँ से टी टू को चेंज करके टी वन लिख सकता हूँ। और मैं क्या करूँगा, एम आर जो है उसको कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं इसको लिखूँगा पूरा, तो ये जो मेरी इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। एम आर मैंने कॉमन ले लिया, और टी टू की जगह मैं लिखूँगा टी वन माइनस टी थ्री बाय गामा माइनस वन। तो ये इक्वेशन बनेगी मेरी इक्वेशन नंबर टू। ये सेकंड प्रोसेस था हमारा। ऐसे ही थर्ड प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा, हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। थर्ड स्टेज देख लेते हैं हम, स्टेज थर्ड जो हो रहा है थ्री से फोर के बीच में। अब क्या हो रहा है इसमें, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। और हमको पता है आइसोथर्मल में जो होता है उसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ जो हीट जो हमने दी थी उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो जब हीट रिजेक्ट करेंगे सिलेंडर से, तब क्या होगा, कंप्रेस होना स्टार्ट कर देगा, जो पिस्टन है वो कंप्रेस होना स्टार्ट करेगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ हीट रिजेक्टेड इक्वल टू द वर्क डन बाय द एयर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो क्यू थ्री से फोर में हुआ है वर्क डन हुआ है एयर पर, तो मैं लिख सकता हूँ उसको पी थ्री वी थ्री लॉग टू द बेस ई वी फोर बाय वी थ्री। सेम मैं वही करूँगा, पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है, तो पी थ्री वी थ्री इक्वल टू एम आर टी थ्री लिख सकता हूँ इसको मैं, पी थ्री सॉरी एम आर टी थ्री लॉग टू द बेस ई, और वी फोर बाय वी थ्री मुझे पता है क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो है वी थ्री वो वी फोर बाय वी थ्री इक्वल टू आर, ये मेरा कंप्रेशन रेशियो है। तो इसको मैं आर लिख सकता हूँ इसे। अब मैं लॉग टू दी बेस ई को चेंज करूँगा लॉग टेन में, तो ये हो जाएगा 2.3 एम आर टी थ्री लॉग आर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी जो प्रोसेस थ्री से फोर पे था। अब आएगा हमारा लास्ट प्रोसेस है जो फोर टू वन है, तो देख लेते हैं उसको भी। स्टेज फोर्थ, इसमें क्या हो रहा है, फोर से वन जा रहा है पिस्टन जो है, फोर से वन जाएगा, तब क्या होगा हमारे पास, आइसो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और हमको पता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर जो है वो जीरो होता है। तो जो इंसुलेटेड कैप लगी थी सिलेंडर के ऊपर उसको हम हटा देंगे, तो और तब क्या होगा, हटाने के बाद जो पिस्टन है वो और कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। तो जब कंप्रेस होगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है एयर के, एयर का, वो कम होने लग जाएगा। तो जब कम होगा तो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्या होगा, वर्क डन बाय द एयर। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ पी वन वी वन माइनस पी फोर वी फोर अपॉन गामा माइनस वन। अब मुझे पता है पी फोर जो है, या मैं अभी बाद में देखते हैं उसको, इसको मैं चेंज करता हूँ पी वन वी वन इक्वल टू एम आर टी वन, और ऐसे ही पी फोर वी फोर इक्वल टू एम आर टी फोर। तो
तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसको एम आर टी वन माइनस एम आर टी फोर अपॉन गामा माइनस वन। अब मुझे पता है जो टी फोर है वो टी थ्री के बराबर है, तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ, जो टी फोर है मैं टी फोर टी थ्री लिख सकता हूँ वहाँ से। तो मैं इसको इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा और मैं कॉमन ले लूँगा एम आर टी ओ सॉरी एम आर कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा एम आर टी वन, और जो टी फोर था वो टी थ्री के बराबर है, तो मैं इसको टी थ्री भी लिख सकता हूँ अपॉन गामा माइनस वन। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई है निकल कर यहाँ से। अब मुझे पता है ये इक्वेशन फोर है, तो जो इक्वेशन फोर और सेकंड थी वो उसमें सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा था, जो हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन था उसमें जो इंटरनल एनर्जी थी वो डिक्रीज हो रही थी, और फोर में क्या हो रहा है हमारा इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये जो दोनों एनर्जी हैं, ये जो दोनों एनर्जी हैं वो आपस में कट जाएंगी और ये बराबर हैं इसलिए कट जाएंगी, तो इसमें जो नेट इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम एफिशिएंसी, उससे पहले हम देख लेते हैं वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है डब्ल्यू डी, तो टोटल हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड कितनी थी हमारी माइनस हीट रिजेक्ट। तो जो हीट सप्लाई करी थी हमने प्रोसेस वन से टू में, और जो हीट रिजेक्ट करी थी थ्री से फोर में, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पर जो हीट सप्लाई की करी थी वन से टू में वो थी हमारी 2.3 एम आर टी टी वन लॉग आर माइनस 2.3 एम आर टी थ्री लॉग आर। तो अब क्या करते हैं यहाँ से 2.3 एम आर लॉग आर कॉमन ले लेते हैं, तो 2.3 एम आर लॉग आर कॉमन ले लेते हैं और हमारा बचेगा यहाँ टी वन माइनस टी थ्री। तो ये था हमारा वर्क डन आया था। अब हमको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है वर्क डन हमारा ये आया और हीट सप्लाइड हमारी थी 2.3 एम आर टी वन लॉग आर। तो मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से ताकि बिल्कुल समझ आ जाए, तो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। एफिशिएंसी आएगी वर्क डन जो था हमारा वो आया था 2.3 एम आर 2.3 एम आर लॉग आर टी वन माइनस टी थ्री, ये एफिशिएंसी थी अपॉन में, और हीट सप्लाई कितनी थी 2.3 एम आर लॉग आर टी वन। तो हम यहाँ से देखेंगे जो एम 2.3 एम आर लॉग आर जो है ये न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा एफिशिएंसी इक्वल टू टी वन माइनस टी थ्री अपॉन टी वन। तो ये एफिशिएंसी बची हमारी, जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारी एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगी इक्वल टू वन माइनस टी थ्री बाय टी वन। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ और मैं इसको लिख सकता हूँ वन माइनस वन बाय आर रेज टू पावर गामा माइनस वन एफिशिएंसी। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाय आर की पावर गामा माइनस वन, और हमको पता है यहाँ पर गामा क्या है, गामा है हमारा सी पी बाय सी वी, और आर जो है वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन रेशियो है। तो ये थी हमारी एफिशिएंसी और कार्नोट साइकिल। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो के लिए मैकेनिकल ब्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।